नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा, आप देख रहे हैं K2S न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राजमाधोपुर जिला मुख्यालय पर स्थित प्रधान डाकघर में राज पैक्स 2023 रंगीला राजस्थान ड्राइंग प्रतियोगिता का द्वितीय चरण का आयोजन किया, जिसमें जिला मुख्यालय के लगभग 10 विद्यालयों के करीब 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उक्त चरण की थीम प्रगति अपने गृह को बचा रही है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ 16 विद्यार्थियों का चयन तृतीय चरण के लिए किया जाएगा। आइए देखते हैं संवाददाता KP सिंह की रिपोर्ट। मैं राजवीर शंखवार, अधीक्षक डाकघर सवाई माधोपुर मंडल, आज आपको सबको यह जानकारी देते हुए हर्ष में महसूस कर रहा हूं कि राजपैक्स 2023 के तहत सवाई माधोपुर मंडल डाक मुख्यालय पर 1000 बच्चों में डाक टिकट संग्रहण प्रतियोगिता के समक्ष सेफ प्लैनेट थीम कर ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आज सवाई माधोपुर डाक मंडल मुख्यालय पर 200 बच्चों के समक्ष यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इन जो भी बेस्ट प्रतियोगिता प्रतिभागी होंगे उन बच्चों को जयपुर मुख्यालय पर पारितोषित किया जाएगा और यह पारितोष वितरण 25 सितंबर 2023 से 27 सितंबर 2023 को होने वाली राजपैक्स प्रतियोगिता के दौरान प्रदान किया जाएगा। धन्यवाद। सवाईमाधोपुर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विगत एक सप्ताह से सवाईमाधोपुर के प्रवास पर आए हुए भाजपा के प्रभारी उत्तराखंड के देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी द्वारा निजी होटल में प्रेस वार्ता की गई। इस मौके पर विधायक विनोद कंडारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने एवं पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों सहित क्षेत्रवासियों से उनके फीडबैक लिए गए हैं। इसके अलावा सभी वर्गों से जानकारी जुटाई जा रही है। आइए देखते हैं संवाददाता KP सिंह की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के जो कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ढांचा या बनाए, इनसे भी मैं कुछ ना कुछ अपनी विधानसभा के लिए कुछ बातें सीखेंगे, जिसको मैं अपनी विधान और राजस्थान की स्थिति क्या है, आप पत्रकार चौथे स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, आपको भली बात नेतृत्व किया है तो युवा बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात करूँ कि आप उससे ज़्यादा आते हैं और राजस्थान में किस तरीके का माहौल योजना की हम बात करते और इन पौने पाँच साल में पर संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है और बहुत चीज़ सीखने को हमको मिली। कार्यकर्ताओं को हमने एक्टिव करने का काम किया, जो थोड़ा बहुत कमियां रहती हैं उसको हमने दूर करने का प्रयास किया और हमने किस तरीके से अपने जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं आम जनमानस तक हम पहुँचाए, हमने लाभार्थियों से भी मिलने का काम किया, हमने जो योजनाएँ का लाभ मिला उनके हमने विकास तीर्थ को भी देख कर आए, हमने जो आपका जयपुर जो एक्सप्रेस बन रहा उसको देख के भी, तो हमने तमाम चीज़ों को टच करने का काम किया और मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने माहौल तैयार किया, निश्चित तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत सरकार यहाँ पर बनी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।